Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Now, today in Hindi, आज हम एक ही मात्रा वाले शब्द देखेंगे. एक ही मात्रा वाले शब्द आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो एक ही मात्रा कैसे लगाते हैं? मात्रा लगाने का ढंग जो होता है वो किसी भी व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा को इस ऐसे लगाते हैं ऊपर, ठीक है. सपोज यहाँ पे देखते हैं, ये कौन सा चित्र है? पेड़ है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, पा प्लस एक ही मात्रा. एक ही मात्रा कहाँ लग रही है? ऊपर, ठीक है. जो हम लाइन खींचते हैं ऊपर, उसके ऊपर जो लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एक ही मात्रा. प्लस रा, पा में एक ही मात्रा पे रा, पेड़, ठीक है. पा में कहाँ लग रही है एक ही मात्रा? ऊपर, है ना. लाइन ऊपर जो खींची है, पा के ऊपर जो लाइन खींची है, पा के ऊपर ही लग रही है एक ही मात्रा. पा में एक ही मात्रा क्या होता है? पे, रा, पेड़. नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, देखो. जा प्लस ला प्लस एक ही मात्रा प्लस बा प्लस छोटी की मात्रा, ठीक है. तो इसको हम मिला करके कैसे लिखेंगे? जा ला में एक ही मात्रा ले जले, बा में बड़ी की मात्रा बी जलेबी, राइट. इस तरह से लिखेंगे. नेक्स्ट उसमें आओ, देखो यहाँ पे ये कौन सा चित्र है? कौन सा सेब है, है ना. तो अब देखो, सा प्लस एक की मात्रा. एक की मात्रा कहाँ लग रही? ऊपर. एक की मात्रा प्लस बा, तो इसको मिलाएंगे जब तो क्या बनेगा? सा में एक ही मात्रा से बा सेब. इसी तरह से हम नीचे यहाँ पे पढ़ो और समझो इसको. इन शब्दों को भी हम करेंगे और उसके बाद इसको समझ करके एक की मात्रा कहाँ लगेगी उसको भी समझेंगे, ठीक है. शा में एक की मात्रा शे रा शेर. एक की मात्रा कहाँ लग रही है? शा के ऊपर. एक की मात्रा कहाँ लग रही है? शा में ऊपर, शा के ऊपर, ठीक है. शा में एक की मात्रा शे रा शेर. इसी तरह से भा में एक की मात्रा भेड़ा भेड़, है ना. का में एक की मात्रा के, ला में आ की मात्रा ला केला. का में एक की मात्रा कहाँ लग रही है? एक की मात्रा का के ऊपर लग रही है. का में एक की मात्रा के, ला में आ की मात्रा ला केला. अब यहाँ देखो, सा में एक की मात्रा से बा सेब, ठीक है. इसी तरह से बा में एक की मात्रा बेरा बेर. बा के ऊपर एक की मात्रा लग रही है, इसको बोलते हैं एक की मात्रा, ठीक है. बा में एक की मात्रा बेरा बेर. नेक्स्ट इसमें आ जाओ, बा में एक की मात्रा बे ला ना लन बेलन. बा में जब एक की मात्रा या किसी के ऊपर एक की मात्रा लगती है तो उसको थोड़ा सा खींचते हैं बे. जैसे बा में एक की मात्रा बे ला ना लन बेलन. सा वा में एक की मात्रा वे. वा में वे वे हो रहा है ना. सा वा में एक की मात्रा वे. रा में आ की मात्रा रा सवेरा. इसी तरह से सा पा में एक की मात्रा पे. रा में आ की मात्रा रा सपेरा. इसी तरह से गणा में एक की मात्रा रे शा गणेश, है ना. इसी तरह से रा मा में एक की मात्रा में शामेश रमेश. नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, हा था में एक की मात्रा थे. ला में बड़ी की मात्रा ली हथेली. देखो इन मात्राओं को भी नहीं भूलना है, जो मात्रा हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं, है ना. ये सब भी नहीं भूलना है. छोटी ई की मात्रा पढ़ चुके हैं, बड़ी ई की मात्रा पढ़ चुके हैं, तो इनको भी पहचानना है. हा था में एक की मात्रा थे. ला में एक की बड़ी ई की मात्रा ली हथेली. जा ला में एक की मात्रा ले. बा में बड़ी ई की मात्रा बी जलेबी. इसी तरह से चा मा में एक की मात्रा में. ला में बड़ी की मात्रा ली चमेली. यहाँ पे देखो, का में एक की मात्रा के ता केत. ला में बड़ी की मात्रा ली केतली. ठा में एक की मात्रा ठे. रा में आ की मात्रा रा ठटेरा. इधर देखो, मा में एक की मात्रा में. ला में आ की मात्रा ला मेला, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा. भा भा में एक ही मात्रा. ये देखो, फिर मात्रा एक ही मात्रा हमेशा ऊपर लगेगी, ये याद रखना है अपने. भा में एक ही मात्रा भे. रा में छोटी ई की मात्रा. अब ये देखो, ये छोटी ई की मात्रा को भी नहीं भूलना है, ये बड़ी ई की मात्रा है और ये
छोटी की मात्रा। भा में ए की मात्रा भेड़, आ में छोटी की मात्रा डी, या में आ की मात्रा या भेड़िया। मा में ए की मात्रा में हा मेह, मा में आ की मात्रा मा ना मान, मेह मान। रेलगाड़ी, रा में ए की मात्रा रेला रेल, गा में आ की मात्रा गाड़, आ में बड़ी की मात्रा डी रेलगाड़ी। इसी तरह से भेल पूरी, भा में ए की मात्रा भेला भेल, पा में बड़ाऊ की मात्रा, देखो बड़ाऊ की मात्रा कहाँ लग रहा, नीचे बड़ाऊ की मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा डी भेल पूरी। इसी तरह से ला में आ की मात्रा ला ला लाल, टा में ए की मात्रा टेना टेन लाल टेन। ना में ए की मात्रा ने व, ला में आ की मात्रा ला नेवला। इन शब्दों को भी हमें पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ करके आप वीडियो बनाइए, अपनी वीडियो आप सेंड कीजिए मुझे, और इसके साथ मैं अपनी पीडीएफ के लिए होमवर्क भी भेजूंगी, इन्हीं वर्ड्स को लिख करके उन होमवर्क को आप करेंगे और सेंड करेंगे। ओके, गुड डे।